तो हम आ चुके हैं शाकुंभरी माता के मंदिर। और शाकुंभरी को दुर्गा का अवतार माना जाता है। बोला जाता है शाकुंभरी माता के देश भर में 3 शक्तिपीठ हैं, और जो इनमें से सबसे प्राचीन शक्तिपीठ है राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर सांबर कस्बे में स्थित है। और ये जो अपना मंदिर है ना शाकुंभरी माता का, करीब 2500 साल पुराना बताया जाता है। वैसे तो जो अपना शाकुंभरी माता का जो मंदिर है, इसकी भी अपनी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। तो मैं आपको कुछ बताती हूँ जो मेरे को इसके बारे में जानकारी है। ये जो मंदिर है अपना शाकुंभरी माता का, इसको चौहान वंश की कुल देवी है। ये चौहान वंश की कुल देवी है, और लेकिन जो सभी बिरादरी और सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग इन्हें पूजते हैं, अपनी शाकुंभरी माता के मंदिर को में आते हैं। और इनके घर में जो भी शुभ कार्य होते हैं, जैसे बच्चे का जन्म हो गया, या घर में परिवार में किसी का विवाह हो गया, या कोई कोई भी शुभ कार्य है, तो लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे ना माता के ढोक लगाने आते हैं। और ये एक परंपरा भी है कि अगर जिन घरों में माता को बहुत ज़्यादा माना जाता है, शाकुंभरी माता को, तो उनके घर में जो भी कार्य होते हैं तो वो लोग आते हैं, और यहाँ पे उनके घर की परंपरा होती है कि वो ढोक लगाने आते हैं। और यहाँ पे सबसे जो बोलते हैं ना भीड़ मेला एक लगता है, और ये भादवा सुदी अष्टमी को मेला लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भीड़ देखी जाती है, वो दोनों ही नवरात्रि जो पड़ते हैं, अपने साल के दो नवरात्रि पड़ते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और माना जाता है कि यहाँ जो प्रतिमा है, यानी कि जो माता की मूर्ति है, वो स्वयं स्वतः प्रकट हुई है भूमि से। और जो चौहान वंश के शासक वासुदेव ने 7वीं सदी में सांबर झील और सांबर नगर की स्थापना शाकुंभरी माता के मंदिर के पास ही की थी। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आप महाभारत, शिव पुराण और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अपने धर्म ग्रंथों की, काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, उसके अंदर माता शाकुंभरी का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। और इन्हीं ग्रंथों के अनुसार, और ऐसा बोला जाता है कि 100 साल तक ये जो निर्जन स्थान है, यहाँ पर बारिश भी नहीं होती थी, तो माँ ने, इस जो हमारी माता रानी थी, इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। और इस तपस्या के दौरान ना केवल महीनों में एक बार शाक यानी वनस्पति का सेवन भी किया था। ये जो स्थान है, इसे जिस स्थान को निर्जन स्थान बोला जाता है, माता ने इस स्थान पर तपस्या की है, और माता के तप के कारण ही यहाँ पर शाक की उत्पत्ति हुई थी। शाक, अगर मैं बोलूँ हिंदी में, तो जड़ी बूटी, या फिर आप उसको हर्ब भी बोल सकते हैं। तो यानी कि ये जो जगह थी ना, एकदम बंजर थी, बे मतलब होता है ना, जहाँ पे कुछ भी किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी। तो यहाँ माँ ने अपने तपस्या के कारण, माँ ने इतनी तप किया था कि यहाँ पे एक उत्पत्ति हुई थी, जिसको हम शाक बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं, जड़ी बूटियाँ हुई थी। और ये माँ के तपस्या के कारण ही ये जो स्थान था, ये अपना जो सांबर था, धीरे धीरे हरा भरा हो गया चले था। गए दर्शन करने और हम लोग रुके हैं अभी। ये रहा अपना शाकुंभरी माता जी का मंदिर। तो पहले गए हैं बच्चे सारे दर्शन करने के लिए, फिर मैं और शाम जाएंगे। ऐसे सन्नाटे वाली जगह है ये, सिर्फ गाड़ियां दिख रही है जो आए हैं मंदिर नए साल पे, और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। मजे आ गया ऐसी जगह आके तो। और ये रहा अपना मंदिर, और ये रही अपनी गाड़ी, और ये शाम खड़े हैं। और मंदिर काफी सुंदर है, काफी और पुराना ये जो भी है। अपना प्रसिद्ध मंदिर है, सांबर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की सांबर झील भी शाकुंभरी देवी के नाम पर ही प्रसिद्ध है। और आपको बताऊं कि महाभारत के अनुसार ये जो क्षेत्र है ना, असुर राज वृष पर्व के साम्राज्य का एक भाग था, और यहाँ पर असुरों के कुल गुरु शुक्राचार्य निवास करते थे। और ऐसा बोला जाता है, मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि 10 जनवरी शुक्रवार को पौष मास की पूर्णिमा को माँ शाकुंभरी देवी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो जल्दी ही 10 जनवरी आ रही है, जिस दिन माता रानी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो अगर कोई, तो मैं आपको बताऊँ शाकुंभरी का अर्थ क्या है। शाकुंभरी का अर्थ, जिसे शताक्षी भी कहा जाता है, यानी कि जो पोषण की देवी है, और इन्हें महादेवी का अवतार माना जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में इन्हें लक्ष्मी और दुर्गा दोनों के साथ ही पहचाना जाता है। और मैंने थोड़ी बहुत जानकारी और इकट्ठा करी है।
जैसे कि हर मंदिर में आप देखोगे जितने भी माता जी के मंदिर है, उस मंदिर के बाहर अपने भैरव जी का मंदिर होता है, भैरव बाबा का, तो वहां पे भी सभी लोग आके ढोग देते हैं भगवान के, और उसके बाद ही जो मंदिर के दर्शन है ना वो पूरे माने जाते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, वो ये कि शाकुंभरी जयंती क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ गया था, तो सूखे के कारण जो लोग थे जल के लिए तरसने लग गए थे। पानी और खाद का गंभीर संकट देखकर भक्तों ने क्या किया, माँ दुर्गा से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। तभी जो देवी दुर्गा थी उन्होंने शाकुंभरी का रूप अवतार लिया और वो प्रकट हुई। फिर क्या था, माता शाकुंभरी ने इस संकट से लोगों को बाहर निकाला। शाम का 5:30 हो चुका है और हमारे जो फोन की बैटरी है वो बची है 20%। तो अब जो ब्लॉग है मैं कंटिन्यू करूंगी सीधा डायरेक्ट घर जाके, क्योंकि बैटरी इतनी है नहीं कि ब्लॉग बनाया जाए। और अपने जीप पे जो है बैटरी का भी कुछ ऐसा ये कि भाई अपन बैकअप ले ले बैटरी का, अगली बार से जब भी आएंगे ना जीप पे अपना बैंक लेकर आएंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी में आएंगे। तो इसलिए तो बाकी रास्ता जाने का आने का जैसा था वैसे ही जाने का है, तो नो चेंज। तो बस सीधे हम लोग क्या करेंगे, आपसे घर में ही मिलेंगे जाके, ठीक है ना। रास्ते में कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो बढ़िया है, वहाँ रुक जाएंगे और बाकी घर में मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट। चलो बच्चा पार्टी, अभी हमारा जो ब्लॉग है हम यहीं पे करेंगे एंड नहीं कर रही हूँ, घर जाके करूंगी। हालांकि मैं बट्टू दिख नहीं रहे, बट्टू कहाँ है? ओके, कैसी रही तुम लोग की यात्रा? बढ़िया बढ़िया, तो फिर मजा आया है ना, खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। अरे अभी कच्ची सड़क चल रही है एकदम कूदा फांदी वाली, वो भी मजा आया। मीटिंग में चली रही है, अब बस अब हम चलते हैं घर पे और घर पे जाके आपसे मिलेंगे वापस, क्योंकि बैटरी एकदम गई। फिर मजा आया, बस बैटरी तो खत्म हो गई थी, बट ऐसे नज़ारे देख कर ना मन करता है कि और वीडियो बनाया जाए। सांभर आया और सांभर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था जो हमने कैप्चर कर लिया आपके लिए, और ये नज़ारा है ना इतना अच्छा लग रहा है कि इस पार भी हमें सांभर देखने को मिल गया और दूसरी पार भी हमें सांभर देखने को मिल गया। और वैसे तो हमने रियल में सांभर की जो छलांग है वो देखी हुई है, हमारी गाड़ी के सामने से एक बार सांभर छलांग मार के गया था, और बहुत ही ऊंची छलांग मारता है सांभर वाकई में, और खूब ही खूबसूरत लग रहे हैं अभी। हाँ। हम लोग के साथ वो ये कि टाइम हो गया है 6:15, और एक्चुअली गाड़ी के जो लाइट्स है ना वो जल नहीं रही है, और वो बिल्कुल भी पता नहीं था जब गाड़ी लेके आए हैं, क्योंकि दोपहर में सुबह निकले थे मतलब दोपहर में, और अभी यहाँ पे लाइट नहीं है। तो अब शाम ने थोड़ी बहुत मशक्कत करी पर जल नहीं रही है। तो एनी हाउ एक खाली इंडिकेटर वाली जल रही है, इंडिकेटर मेन लाइट नहीं जल रही है, नीचे वाली जल रही है छोटी वाली, एक जल रही है, हाँ एक जल रही है बस। ये हो गया है पंगा, और अब देखते हैं क्या कोई मैकेनिक मैकेनिक मिलेगा या क्या करेंगे। और फोन की बैटरी भी 10% रह गई है भाई साहब। बात फाइनली गाड़ी की जो लाइट्स है वो चालू हो गई थी, वापस से बंद कर दी है, इंडिकेटर लाइट चली गई है, जो मेन लाइट है वो आ गई है ना। क्या प्रॉब्लम हो रही है? वायर नहीं लगा था इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो यार अब वो टेंशन ख़त्म कि लाइट नहीं है, अभी और कुछ भी देख रहे हैं ये लोग। सही हो गई अब चले, वाह अब मूड सही हो गया पापा का, नहीं तो टेंशन में आ गए थे पापा कि शाम को बच्चे भी साथ में थे और यहाँ पे ऐसे एक कोई भी मैकेनिक भी नहीं था तो कैसे ढूंढते। तो अब हम बैठते हैं गाड़ी में, ठंड भी लग रही है सबको, ये इस तरीके से बैठे हैं सारे जने गाड़ी में के खुलना एकदम। लो बैटरी, बैठ जाओ सारे। बैक टू होम, और हम लोग आ चुके थे घर करीब 8:30 बजे, और अभी टाइम हो गया है रात का 9:15 बज चुका है। और बाकी आपने देखा ही था जो मेरे फोन की बैटरी थी ना वो पूरी डिस्चार्ज हो गई थी फाइनली, लास्ट तक तो ये हो गया था। फिर मैं सबसे पहले घर आई, घर आते ही फोन पे लगाया चार्जर लगाई, क्या था लूप हो गया मेरा, प्रॉब्लम हो गई मेरे को, तो मतलब फोन लगाया चार्जिंग पे, उसके बाद चेंज चेंज किए और बस दूध दूध पिया, लड्डू वड्डू खाया, और गौरी तो अभी खा रही है, सुबह जलेबी खाई थी तो थोड़ी लेके भी आए थे तो ये जलेबी वगैरह खा रही है। मेरा दूध दूध पी चुका है, हम लोग सारे दूध दूध पी लिए, खाना वाना कुछ बनाया नहीं है, आज किचन फुल डे रेस्ट पे था। तो बड़े आराम, एक अंदर पानी आ रहा है मुंह में पानी, आज फुल डे किचन रेस्ट पे था, मज़ा ही आ गया।
फुल डे एंजॉय किया, कल रात से ही पूरा एंजॉय करे थे। तो 31st और 1st of January बहुत ही बढ़िया रहा, और ओवरऑल आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज का जो ब्लॉग है। और आप लोग भी अगर इधर आए राजस्थान तो पानी को कभी मत झूला ना मंगवाना है, अगर आप उसको छोड़ोगे तो अंदर चले जाओगे, फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। हाँ, अगर आप जाओ सांबर झील तो वहाँ पे दलदल का पानी है तो उसको मत छूना, नहीं तो आप डूब जाओगे और फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। इसने पता नहीं कोई शॉर्ट्स देखा था क्या था, इसलिए मुझे जब से वहाँ पे हम नहर वाली एरिया में गए थे तब से मुझे ये वाला ज्ञान दे दिया, तो हमने कहा ठीक है बेटा नहीं जाएंगे, पानी को भी नहीं छुएंगे। मैंने बताया भी नहीं आपको। हाँ आपने बताया भी। तो ओवरऑल जो हमारा ट्रिप था बहुत ही बढ़िया था, वन डे ट्रिप। और अब जल्दी से हम वेट कर रहे हैं कोई हमारा लंबा ट्रिप हो, बहुत टाइम हो गया है। हालांकि बच्चों के एग्जाम आने वाले तो अभी तो शायद ही नामुमकिन है ऐसे ट्रिप बनना। और फिलहाल बस आप लोग को अगर राजस्थान आए तो हमारे शाकुंभरी माता जी के जो मंदिर है वहाँ जरूर जाइएगा, बहुत ही विशाल दर्शन हुए, बहुत ही विशाल मूर्ति भी है। तो इसी के साथ क्या करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो भूलिए मत चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, और कमेंट करते रहा करिए, आपकी कमेंट से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और 1K का सेलिब्रेशन अभी भी बाकी है, उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ राइट टाइम का, तो हम जल्दी ही सेलिब्रेट करेंगे 1K सेलिब्रेशन। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन फ्रॉम द लोहिया फैमिली। हैप्पी न्यू ईयर बोलो गाइस, सब्सक्राइब कर देना, अपनी बात बता दो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। आप चैनल में नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। सो स्वीट, चलो हैप्पी न्यू ईयर, बड़ी हैप्पी न्यू ईयर बोल दो, हैप्पी न्यू ईयर, तब तक के लिए नहीं हो तो हमारे व्लॉग्स देखते रहिए, बाय।